देश दुनिया के इतिहास में 19 सितंबर का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के जन्म समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। 20वीं शताब्दी के भारतीय सांस्कृतिक उन्नयन में विशेष योगदान देने वाले विद्वान श्रीपाद दामोदर सातोलेकर का जन्म आज ही के दिन 1867 में हुआ था। 1891 में आज ही के दिन विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का मैनचेस्टर में पहली बार मंचन किया गया था। आज ही के दिन 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था। 1893 में आज ही के दिन न्यूजीलैंड में निर्वाचन अधिनियम के तहत सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया था। आज ही के दिन 1907 में पहली बार कृत्रिम तेल का निर्माण हुआ था। इस नए पदार्थ का आविष्कार स्कॉटलैंड के रसायन शास्त्री जेम्स यांग ने किया था। उन्होंने पत्थर के कोयले के आसवन से कृत्रिम तेल बनाने में सफलता प्राप्त की थी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान विष्णु नारायण भारत खंडे का निधन आज ही के दिन 1936 में हुआ था। आज ही के दिन 1952 में हॉलीवुड फिल्मों के स्टार चार्ली चैपलिन को अमेरिका वापस आने से रोक दिया गया था। 1955 में आज ही के दिन अर्जेंटीना की सेना और नौसेना ने विद्रोह कर राष्ट्रपति जुआन पेरोन को पद से हटाया था। आज ही के दिन 1957 में अमेरिका ने नेवादा के रेगिस्तान में पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला सुनीता विलियम्स का जन्म आज ही के दिन 1965 में हुआ था। आज ही के दिन 1988 में इसराइल ने परीक्षण उपग्रह होरिजोन आई का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। 1991 में आज ही के दिन इटली के आल्पस पर्वतों के बीच बर्फ में पड़ा हुआ प्राकृतिक ममी मिला था। ये करीब 5000 वर्ष पुराना था। आज ही के दिन 1996 में ग्वाटेमाला और वामपंथी विद्रोहियों की सरकार ने लंबे समय से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2000 में आज ही के दिन भारत की कर्णम मल्लेश्वरी ने ओलंपिक में भारोत्तोलन स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। आज ही के दिन 2002 में इसराइल के सैनिकों ने पश्चिमी किनारे पर फिलिस्तीन नेता यासिर अराफात की घेराबंदी की थी। 2007 में आज ही के दिन साइबर वार की संभावना को देखते हुए अमेरिकी एयरफोर्स ने अस्थायी कमांड का गठन किया था। आज ही के दिन 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में नक्सली गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए शुरू किए गए सलवाजुडियम के कार्यकर्ताओं की गतिविधियों को बंद करने का निर्देश दिया था। 2009 में आज ही के दिन गुजरात के गोधरा कांड की जांच कर रहे नानावती आयोग ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी तथा 6 अन्य लोगों को तलब करने की मांग वाली याचिका का निपटारा किया था। आज ही के दिन 2011 में नासा ने चांद और मंगल ग्रह के अलावा अंतरिक्ष यात्रियों को ब्रह्मांड के दूसरे ठिकानों पर भेजने के लिए 100 टन तक वजन को अंतरिक्ष में ले जाने लायक एक भव्य रॉकेट की रूपरेखा तैयार की थी। 2011 में आज ही के दिन अखलाक मोहम्मद खान शहरयार को उर्दू साहित्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2008 का 44वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। आज के इतिहास में इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।